हेलो फ्रेंड्स, मैं रजी रहमान आपको अपने चैनल गार्डनिंग ऑन रूफ टॉप पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मेरा बहुत ही प्यारा प्लांट जो आप लोगों ने पहले भी देख रखा है, ये हाइब्रिड बोगनविलिया जो कि ऑलमोस्ट 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, जो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो आज मुझे इसकी कुछ ब्रांचेज डेड मिली, तो मैंने फर्स्ट तो उन ब्रांचेस को काट दिया। यहाँ पे एक ब्रांच थी वो डेड हो गई थी, एक ऊपर यहाँ पे ब्रांच थी वो डेड हो गई थी। तो फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई इस प्लांट के बारे में कि इसकी ब्रांचेस क्यों डेड हो रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार रूट बॉल निकाल के देखा जाए, कहीं रूट बॉन्डिंग तो नहीं हो रही इसकी। तो पहले मैंने रूट बॉल निकाल दिया था दोस्तों, थोड़ी सी मिट्टी बाहर आ गई थी, फिर सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। ये वो डेड ब्रांच है दोस्तों, ये थोड़ी सी ग्रीन लग रही है बट ये बिल्कुल ही डेड हो चुकी है। तो मैंने इसको निकाल दिया था। अब इसकी जो फाइबर रूट्स है वो तो काफ़ी डेवलप हो गई थी, इसके नीचे मैंने ये नेट लगाया था ड्रेनेज होल के लिए। तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं एंड इस पे बात करते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हो कि इस पे नीचे जब मैंने इसकी मिट्टी हटाई थी तो ये रूट बॉन्डिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगा दोस्तों। उसके लिए मैं आज, ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है, ये मेरा ऑर्गेनिक मिक्सचर है, ये सब कुछ सॉइल है, गार्डन सॉइल, तो उसे एक थोड़ी सी न्यू मिट्टी ऐड करूँगा। तो बहुत ही लाइटली मैं इसको अपने जो होममेड टूल है उससे मैं इसकी सॉइल हटाऊँगा थोड़ा सा, ताकि जो इसके रूट्स हैं थोड़ी खुल जाएं। वैसे बारिश का टाइम है दोस्तों, आप रिपोर्टिंग कर सकते हो प्लांट्स की, कोई टेंशन नहीं है। मैं ऊपर के फ्लावर्स तोड़ना नहीं चाहता हूँ, फिर भी कुछ फ्लावर टूट जाएंगे कोई बात नहीं, फिर से इसमें फ्लावर आ जाएंगे। इसमें हर थोड़े दिन पे नई ब्लूमिंग आती है, वो भी भर भर के आती है दोस्तों, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो प्लांट छोटा है इसलिए बहुत ही जेंटल हैंड से इसको बना रहा कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे, अगर आप लोगों के पास टूल होगा, प्रोफेशनल टूल जो होता है प्रोफेशनल के पास, तो उसे कर लीजिए। मेरे तरह अगर आप ऐसे ही लोकल गार्डनर हैं, बिगनर हैं, तो आप लोग ऐसी टूल बना सकते हो फोक का, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो थोड़ा सा यहाँ से मिट्टी हटा देता हूँ मैं पहले। यही सॉइल फिर से मैं यूज़ करूँगा दोस्तों, नई गार्डन सॉइल ऐड नहीं करूँगा, बस इसमें थोड़ा सा कम कंपोस्ट डाल दूँगा और ऑर्गेनिक मिक्सचर, जिससे इसकी रूट्स फिर से डेवलप हो जाएंगी। तो बात करते हैं दोस्तों कुछ इसकी केयर की। तो इसकी केयर मैंने ज़्यादा कुछ की नहीं है, थोड़ा सा इसमें एनपीके डाल देता हूँ, वर्मी कंपोस्ट कभी कभी यूज़ करता हूँ। महीने में एक बार एनपीके का तो मैं जिस सारे प्लांट्स को देता हूँ, तो इसको भी देता हूँ, स्पेशली इसके लिए नहीं कुछ करता। तो जो सारे प्लांट्स के लिए करता हूँ वो इसी के लिए भी कर देता हूँ। आप लोग ये ना समझे कि मेरा ये कुछ चहेता प्लांट है इसलिए मैं इसके साथ स्पेशल कुछ नहीं करता हूँ, बल्कि यही मुझे इतने सारे फ्लावर देता है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इसके रूट बॉल को हल्का सा, मैं देखो आप लोग बहुत देख अच्छे से देख लो इसको, मैंने हल्का सा से मिट्टी हटा रहा हूँ रूट बॉल, इसको रूट्स बिल्कुल ही डैमेज नहीं कर रहा हूँ, रूट्स इसकी सारी की सारी ऐसी रहने देता हूँ। पॉट एक्चुअली क्या है, इस प्लांट के लिए छोटा पड़ रहा है, प्लांट तो छोटा है लेकिन अब ये पॉट इसके लिए छोटा पड़ रहा है। इसके लिए एक्चुअली कम से कम 12 इंच का या 10 इंच का पॉट होना चाहिए, बट फिलहाल मेरे लिए, मेरे पास कोई ऐसा पॉट है नहीं, और मुझे इसी छोटे पॉट में अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे पॉट में इतने सारे फ्लावर देख के ज़्यादा खुशी होती है। ये लकड़ी जो दिख रही है दोस्तों, ये इसका सपोर्ट जो है बम्बू स्टिक है, इसका सपोर्ट है वही लकड़ी है। तो इसके रूट बॉल को ऑलमोस्ट मैंने साफ कर दिया है, अब इसको साइड में रख देता हूँ। ऊपर प्लांट्स को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा,
अब ये जो मेरी सॉइल है दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगा। वर्मी कंपोस्ट मैं लाया था बहुत ज़्यादा, बट मेरे पास थोड़ी रह गई है। ये एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसके लिए इनफ होगी। अराउंड 50 ग्राम। तो ये जो ऑर्गेनिक मिक्सचर है वो मैं ऐड नहीं करूँगा फ़िलहाल। रिपोर्टिंग के टाइम आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत ऐड कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा शॉक में होता है, इसलिए। मेरा ये थोड़ा सा डस्ट पैन है, छोटा सा इसके लिए ये ब्रश है, तो मिट्टी उट्टी साफ़ करने के लिए काफ़ी काम आता है दोस्तों। मिट्टी दोस्तों कभी ख़राब नहीं होती, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। बस उसमें थोड़ा सा उसके न्यूट्रिशन के लिए थोड़ा सा कंपोस्ट यूज़ कर लीजिए, ऐसे नहीं कि ये मिट्टी हमारी कभी ख़राब नहीं होती। ये पत्तियाँ फ्लावर्स हैं, इसमें सड़के तो वापस से इसमें डिकम्पोज होकर इसको एनर्जी देंगे प्लांट्स को। तो ये मेरी सॉइल तैयार हो गई है। अब इसके नीचे मैंने वही नेट लगा दिया है दोस्तों, जो इसकी मैंने रूट बॉल से निकाला था शुरू में। एक वीडियो इसकी है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। इसकी रूट बॉल में एक केज लगा हुआ था, जिससे इसके टैप रूट बाहर नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको रिमूव किया था। ऑलमोस्ट ये प्लांट बिल्कुल ही स्टॉप हो चुका था इसकी ग्रोथ मेरे रिपोर्ट करने के बाद। इसके कैप, क्योंकि ऑलमोस्ट इसकी 80% रूट टूट चुकी थी ये केज निकालते टाइम। तो फिर से इसने ग्रोथ की है, इतना बड़ा हुआ है। तो पहले मैं इसकी एक बेडिंग बना, बेड हल्का सा इसको नीचे से ऐसे ही प्रेस कर देता हूँ, ताकि पानी बहुत जल्दी से ड्रेन ना हो जाए। अब इसका सेंटर चूज करते हैं दोस्तों। आई थिंक ये इसका सेंटर है। प्लांट तो थोड़ा सा बीच में होना चाहिए दोस्तों। प्लांट बीच में इस तरह से सॉइल डलेगी तो प्लांट बीच में दिखेगा। ये थोड़ा सा कर्व लेके आ रहा है प्लांट मेरा, तो इसमें वायरिंग करने की भी ज़रूरत है। आई थिंक मुझे ये यू प्लांट ऐसे चाहिए था एस में, तो अब थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ गई है, तो अब मैं इसमें वायरिंग करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं इसमें साइड से मिट्टी डालता हूँ। पहले तो मैंने सोचा था इसके लिए न्यू सॉइल यूज़ करूँगा, बट फिर ये सॉइल थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। न्यू सॉइल जो मेरे पास है वो मिक्स है थोड़ा सा चिकनी मिट्टी के साथ। ये जो खुरपी है दोस्तों, इसकी वजह से इससे थोड़ा सा साइड में एयर पॉकेट्स निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग पॉट को पटकते हैं, मेरा पॉट को ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहा दोस्तों, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। फिलहाल मेरे पास कोई पॉट भी नहीं है, तो इस वजह से मैं बहुत ही ध्यान से कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास ये फर्स्ट बोगनवेलिया प्लांट था, एंड फिलहाल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बोगनवेलिया के प्लांट हैं, जिसमें से एक सामने आप देख रहे हो जो बाल्टी के ऊपर रखा हुआ है, उसमें ब्लू फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। उसकी भी रिपोर्टिंग करनी है, ऑलमोस्ट 1 ईयर से उसी के अंदर है वो। तो आज नहीं करूँगा, जब नेक्स्ट टाइम उसकी भी रिपोर्टिंग करूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये हाइब्रिड बोगनवेलिया मेरे पास 2 हो चुके हैं, एक मेरा वाइट कलर के जिसमें फ्लावर आएंगे फिलहाल, तो उसको भी मैंने उसका जो रूट केज होता है वो भी मैंने रिमूव किया था, उसकी भी फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों ये आई थिंक इनफ है, इसकी सॉइल कम पड़ेगी तो मैं और डाल दूँगा।
तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो इसको मैं इसके प्लेस पर रख देता हूँ। अभी इवनिंग में जब वाटरिंग करूँगा सारे प्लांट्स में तभी कर दूँगा, क्योंकि सॉइल अभी थोड़ी सी इसकी मॉइस्ट है, इसलिए वाटरिंग की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये मेरा एक बोगनवेलिया है, वेरीगेटेड है, जिसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है दोस्तों। इसका ट्रंक भी थोड़ा सा ठीक हो गया, अब इसको मैं रिपोर्ट करूँगा कुछ दिन बाद। तो बारिश का टाइम है, खैर कोई टेंशन नहीं। हाँ, मेरा फर्स्ट बोगनवेलिया, सेकेंड वन, एंड ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये मेरा हाइब्रिड बोगनवेलिया दोस्तों, जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आएंगे, ठीक है। और ये मेरा छठा नंबर का, जो अभी भी ग्रो बैग में लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अपने पौधों का ध्यान रखिए। अरे हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पौधों का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।